रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो क्लास 10 जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली चैप्टर नंबर 6 है उसका जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं सोल्व कराने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि चित्र में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ये कह रहा है कि LM समांतर CB, यानी LM समांतर है CB के, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, समांतर है। LN यानी LN ये वाली जो भुजा है वो CD के समांतर है, ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि AM बटा AB यानी AM बटा AB यानी कि ये भुजाएं इसके समरूप होती है, और AN बटा AD यानी AN बटा AD यानी AN जो वो भुजा है वो AD के समरूप होती है, ये हमें सिद्ध करना। तो देखिए हम पहले जो ये दे रखा, हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में हम त्रिभुज हम सॉल्व कर रहे हैं इसको कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ABC वाला ले रहे हैं, इसकी समांतर भुजा है अपने पास में LM समांतर CB। ठीक है, अब देखिए ये भुजा इसके हैं बटे में है तो हम लिख सकते हैं इसमें AM बटा MB, क्योंकि भुजाएं समानुपाती होती है, इज इक्वल टू AL बटे LC, AL बटा LC समीकरण नंबर 1। हम इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, और ये किससे हुआ है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि त्रिभुज, जब एक त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती है थेल्स प्रमेय नंबर फर्स्ट कहती है। ऐसे हम त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, अब ADC में भी AN बटा ND बराबर AL बटा LC, या इसमें हमें क्या दे रखा है पहले LN समांतर CD, ये तो दे रखा है, और हमें इसमें त्रिभुज में लेंगे AN बटा ND बराबर AL बटे LC समीकरण 2। ये भी किससे हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 ये है AM बटा MB बराबर AL बटा LC, समीकरण नंबर 2 है AN बटा ND बराबर AL बटा LC। देखिए इसका AL बटा LC से AL बटा LC कट गया तो इधर क्या बचा, AM बटा MB बराबर AN बटा ND। ठीक है, ये हमें, अब हमें क्या करना है इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करने पर, उल्टा करेंगे तो हमें उल्टा करने का मतलब MB ऊपर AM नीचे, ND ऊपर और AN नीचे, तो लिख लेंगे MB बटा AM बराबर ND बटा AN। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखो MB बटा AM, अब इधर AM बटा AB है तो हमें क्या करेंगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर, एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसका मान बराबर लाना, तो MB बटा AM +1 इजिकल टू ND बटा AN +1, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे बटे वन बटे वन, इसका एलसीएम लिया तो AM एलसीएम लिया तो इधर आ गया MB प्लस AM बराबर, और इधर इधर भी एलसीएम लिया हमने AN तो इधर आ गया ND प्लस AN इजिकल टू, देखिए MB प्लस AB
ठीक है, अब हमें एम बी प्लस ए एम, सॉरी ए एम आएगा, ए एम आएगा, ठीक है, एम बी प्लस ए एम यानी एम बी प्लस ए एम जोड़ेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा इसका ए बी, तो ए बी बटा ए एम बराबर, इधर भी एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन क्या बनेगा ए डी, अगर इसको और इसको जोड़ लेते हैं यानी एन डी और ए एन को जोड़ लेते हैं तो क्या बनता है ए डी, तो इसकी जगह लिखा हमने ए डी बटा ए एन। अब हमें आंसर में देखो ए एम बटा ए बी, अब इसको क्या करेंगे व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम से उल्टा कर देंगे इसको, तो ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी इति सिद्धम, ठीक है, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर एन ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, यही हमें आंसर लाना है। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि हम जो त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है इसका जो हम समरूपता नियम के आधार से हम इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके।